हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी जो उपाय बता रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिनका कोई भी कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा, वो चाहे किसी भी तरीके का हो। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, बहुत उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपको एक लोटे में जल लेना है, तावे के लोटे में जल भरिए। आपको उसमें डाल लेना है गुड़ का एक या दो टुकड़े डाल लेने हैं, और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप हल्दी पूजा में इस्तेमाल करें तो कोशिश करें जो गांठ वाली हल्दी होती है उसे किसी भी तरह से पीस कर तब आप इस्तेमाल करें। तो आपको थोड़ी सी हल्दी उसी जल में मिला लेनी है। अब ये गुड़ और जो हल्दी वाला जल है इसे लेकर आपको तुलसी जी के क्यारे के पास आना है, गमले के पास, और वहाँ आपको तुलसी जी की जड़ में ये वाला जो जल है वो आपको समर्पित करना है। धीरे धीरे कर जल समर्पित कीजिए जड़ में, ऊपर से मत समर्पित कीजिए क्योंकि फिर चारों तरफ छींटे आ जाते हैं, फिर पैरों में छींटे आते हैं तो फिर दोष लगता है। तो आपको तुलसी जी की जड़ में यह जल समर्पित कर देना है। जब आप जल समर्पित करें तो आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें वहीं बैठकर। ये उपाय महीने की आप प्रत्येक दसवीं तिथि को करें। ध्यान रखिए आपको ये उपाय दसवीं तिथि को करना है और सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले ये आपको उपाय करना है। सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करना है, आपको सूर्यास्त से पहले पहले ये उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के, इस वाले उपाय को आप सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको आपको लेना है एक लंबी वाती का आपको दीपक तैयार करना है। गोल बत्ती नहीं लगानी है, आपको लंबी वाती लगानी है और उसमें डाल लेना है गाय का शुद्ध घी। घी डालकर आपको तुलसी जी के क्यारे के पास आना है और वहाँ जो जो आपने दीपक तैयार करा है इसमें भी आपको एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है, और उसके बाद तुलसी जी के क्यारे के पास आकर वो दीपक जो है प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए जो दीपक का मुख है यानी जो लौ है जो दीपक जल रहा है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और वो दीपक आपको तुलसी माता के क्यारे से थोड़ी सी दूरी पर रख देना है, पास में ना ही रखिए। बस इस उपाय को आप शाम के समय या सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है, और वहीं बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। गुरु जी कहते हैं दसवीं के दिन जो ये उपाय करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। आपका जो भी कारोबार है, जो भी आपका व्यवसाय है और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अवश्य सफलता मिलती है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।